धन्यवाद आप सबका। वचन में जाने से पहले हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, ठीक है? तो मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के जो वचन है परमेश्वर, ये मेरे द्वारा नहीं परमेश्वर परंतु आपके द्वारा होंगे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सारी महिमा सारा अगर आपको मिले परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि हमें दो परमेश्वर, ताकि हम उस वचनों को समझ कर अपने जीवन में परमेश्वर से लागू कर पाए परमेश्वर। सारा आदर आपको देते प्रभु यीशु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। ओके, सो हमारा अभी बहुत दिनों से हमारा चल रहा था पहाड़ी उपदेश। हम काफ़ी आई थिंक एक महीने से ज़्यादा ही हो गया हमने बहुत सारे पहाड़ी उपदेश देखे। तो आज भी हम सर्मन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश से ही देखने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुत से उपदेश देखे जो कि था धन और परमेश्वर है, धन्य वचन है, अनेक हमने बहुत सारे देखे। तो आज भी हम सर्मन ऑन द माउंट से करेंगे। तो आज जो हम करेंगे वो है मैथ्यू चैप्टर 7:1-6, मत्ती का 7-1-6 तक करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक मिनट एक्सप्लोरिंग। ओके, सो आई होप सबको दिख रहा होगा। तो आज का हमारा विषय है दूसरों पर दोष ना लगाना। तो ये बहुत सारी बार हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, हम बहुत बार ऐसे हो जाते हैं। पर आज हम सीखेंगे परमेश्वर इस विषय में हमसे क्या कहते हैं और वचन इस विषय में हमारे साथ क्या बातें करते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे मत्ती 7:1-6 तक। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। ये कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो अपने भाई से क्यों कर सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आग के तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअर के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पाँव के तले रौंदे और पलट कर तुम्हें ही फाड़ डाले। तो यह है मत्ती 7:1-6। आज अब हम अभी इसे विस्तार में देखेंगे, एक एक वर्ष बाय वर्ष के क्या कहता है। तो जैसे हमने फर्स्ट वर्ष देखा, पहला वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जैसे ये पढ़ते हमें समझ आता है कि ये वचन क्या कहना चाहते हैं। जरूरी है कि हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है। सेकेंड वर्स कहता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर आप किसी पर दोष लगाते हो उसी प्रकार आप पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस नाप से आप दूसरे को नापते हो उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा। अगर हम देखें इसके बारे में तो लूका 6:37-38 में भी इसका जिक्र है। हम इसके वो वचन भी पढ़ेंगे, वो भी नीचे मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। 37 कहता है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा की जाएगी। जैसे ये वचन कहता है दोष मत लगाओ तो तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, अगर आप क्षमा करते हो तो आपको भी क्षमा की जाएगी। आगे जैसे ये वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में तो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जैसे हम ये देखते हैं कि वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और अगर आप किसी और के लिए कुछ करते हो तो वो तो हिला हिला कर दबा दबा कर जब तक वो भर नहीं जाए वो ना ऐसे आपके गोद में उंडेला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे पर दोष ना लगाएं। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम वो तुरंत ही दूसरे पर दोष लगाते हैं, दूसरे पर उंगली उठाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। वचन कहता है कि दूसरे पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगे। ओके, जैसे हम आगे जाते हैं, अगर हम रोमियो 2:1-2 देखें तो ये वचन कहता है, सो हे दोष लगाने वालों तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिससे तू दूसरे पर दोष लगाता है
उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वह काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। तो ये वचन भी एकदम स्पष्ट कहता है कि जो भी दोष लगाते हो, हे दोष लगाने वालों, तू जिस पर भी दोष लगाते हो, चाहे आप क्यों कोई क्यों ना हो, अगर आप दूसरे पर दोष लगाते हो तो आप पर भी वो दोष लगाया जाएगा। शायद आप किसी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो कि नहीं आप ये नहीं करते हो, शायद आप भी उस चीज़ें करते हो और आप अपने आप को उस जगह नहीं देखते, तो दूसरे पर हमें दोष नहीं लगाना है। ओके, और जैसे हम करेंगे, ऐसे वचन कहता है, और हम जानते हैं ऐसे काम करने वाले, अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर है जो सबका न्याय करता है, तो हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है कि नहीं तेरे साथ ऐसा हो या तुझे ऐसा हो, नहीं, हमें अपना काम करना है, हमें प्यार से रहना है। परमेश्वर है जो सारी चीज़ों को देखता है और वो ठीक ठीक जो भी होगा, दंड होगा, वो दंड की आज्ञा देगा। ओके, आगे हम जाते हैं। अगर हम आगे देखें ये वचनों को, जब हम देखते हैं कि बहुत ऐसा मोटिवेशनल लगता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगेगा, तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि नहीं, अगर हम दोष लगाते हैं तो हम पर भी लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ हम दोष लगाए, हम खुद से अच्छे से रहे, दूसरे से अच्छे से रहे, प्यार से रहे, प्यार से बातें करें, दूसरों पर दोष लगाने से अच्छा है हम उनको समझाएं प्यार से। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारे अभी तक पहाड़ी उपदेश देखे, वहाँ पे हमने देखा परमेश्वर जो, अगर आप सर्मन ऑन द माउंट पूरा देखो, इस पहाड़ी उपदेश को पूरा देखो, परमेश्वर ने बहुत अनोखी रीति से एक एक चीज़ें समझाई है, जो दुनिया के लोग करते हैं वैसे नहीं परंतु अलग, चाहे वो परमेश्वर और धन के विषय में क्यों ना हो। अगर हमने देखा था कि परमेश्वर और धन आप दोनों को लेकर नहीं जा सकते और दुनिया के लोग धन के पीछे भागते हैं, पर परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को कुछ अलग एक एटीट्यूड, अगर आप पूरा सर्मन ऑन द माउंट पढ़ो तो ये होल अगर आप देखो तो इट्स ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ अलग है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूसरे लोगों के जैसे रहें, बाहरी दुनिया के जैसे रहें, तो हमें अलग रहना है, हम अलग हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रेम से रहना। यहाँ पर परमेश्वर भी यही करता है, वचन भी यही करता है, दूसरे पर दोष नहीं लगाओ। हम ऐसे लोग ना बने जो हर टाइम घूमें देखें कि अरे इस पर दोष है, मैं इसको बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा, नहीं, हमें अलग बनना है। जो दुनिया करती है वो अपनी जगह है, बट हम परमेश्वर के लोग हैं और हम कुछ अलग हैं। हम परमेश्वर की जो है मसीह में जो हमारा जीवन है वो अच्छा होना चाहिए, ना कि किसी पर दोष लगाने वाला या ना कि किसी को कुछ गलत बोलने वाला। तो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम भी बहुत सारे पापों में थे, बहुत गलत चीज़ों में थे, पर उसने ये नहीं कहा कि भाई तू दोषी है, मैं तेरे लिए ये नहीं करूँगा, नहीं, उसने सबके लिए अपनी जान दी, क्योंकि हम सबसे प्यार करता है। तो बहुत ज़रूरी है, जब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, जब उसने हम पर दोष नहीं लगाया है, तो हम भी दूसरों पर दोष नहीं लगाएं। अब जब ये वचन कहता है दूसरों पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, तो कभी कभी कोई कई चीज़ें होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी करे तो हम उसको कुछ ना बोले, नहीं बाबा, वचन में बोले दोष नहीं लगाना, ऐसे नहीं है। अगर कोई कुछ गलत करता है, अगर हमको लग रहा है कि नहीं ये व्यक्ति सही नहीं जा रहा है, अगर मैं किसी को गलत करते हुए देखूँ तो ये मेरा काम है कि मैं उसको जाके बोलूँ कि नहीं यार आप सही नहीं जा रहे हो, तो अगर ऐसा नहीं बाबा परमेश्वर ने बोला है दोष मत लगाओ तो नहीं। बहुत बार ये वचन को बहुत मिसकोट किया जाता है, अरे तू दोष मत लगा, तुझ पर भी लगाया जाएगा। दोष नहीं लगाना है, पर अगर कोई गलत जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझाएं और हम उसको सही रास्ता दिखाएं। हम इसके बारे में और आगे विस्तार से देखेंगे, आगे हम वर्स पे जाएंगे। ये वर्स कुछ कहता है, तू क्यों अपने भाई की आग के तिनके को देखता है और अपनी आग का लट्टा तुझे नहीं सूझता, और जब तेरी ही आग में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरे आग से तिनका निकाल दूं। अभी ये लट्ठा और ये तिनका का, अगर आप यहाँ पे एक पिक्चर देखो, यहाँ पे एक लड़की जिसकी खुद ही आग में इतनी बड़ी सी लकड़ी है और वो दूसरी जो लड़की उसके हाथ में छोटू सा तिनका है, मतलब छोटा सा तिनका है, बट शी इज लाइक कि अच्छा मैं तेरी हेल्प कर दूँ। अब परमेश्वर इससे अब ये वचन क्या कहना चाह रहा है, अब ये एक के आँख में है, ये बहुत ऐसा देखने जाते इट्स वेरी फनी और ऐसा कॉमेडी लगता है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, पर यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया कि हम समझें हमारे खुद ही के आँख में इतनी सारी कचरे और इतना बड़ा चीज़ है, पर हमको दूसरे की चीज़ें दिखती है। हमारी लाइफ में क्या है, हम किस पोजीशन में, हमारे लाइफ में क्या पाप है या हमने क्या किया, हमारे लाइफ में जो हमारे आँखों में जो बड़ी सी लकड़ी है वो हमें नहीं दिखती, बट अगर दूसरा कोई हो उसने इतना सा किया उसका तिनका, हम उसको हाईलाइट, मतलब बहुत सी चीज़ें हम उसको हाईलाइट करते हैं, लोग उसको हाईलाइट करते हैं। अगर हम देखें
बहुत बार यहाँ पर हमने देखा जैसे कि वो उसे कह रही कि ला मैं तेरी हेल्प कर दूँ, उसके खुद ही के आँख में, अगर सपोज मेरी आँख में खुद है और मैं किसी को बोलूँ मैं हेल्प कर दूँ, क्या मुझे क्लियर दिखेगा? नहीं दिखेगा, मुझे कुछ क्लियर ही नहीं दिखेगा, तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी? इज इट पॉसिबल? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, और शायद मैं कर भी दूँ तो सामने वाले को हानि हो जाए। मेरे आँख में खुद इतना बड़ा ये है और मैं दूसरे को हेल्प करने जाऊँ, उसकी आँख डैमेज हो सकती है, उसको मैं सही से नहीं निकाल पाऊँ या कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बार ऐसे ही होता है हमारे जीवनों में, या लोग ऐसे करते हैं कि खुद के जीवन को नहीं देखते, खुद के लाइफ में क्या है वो नहीं देखते, परंतु दूसरे पर दोष लगाना कि नहीं तेरा है, उसकी भले छोटी सी गलती क्यों ना हम उसको हाईलाइट करेंगे, पर हमारे लाइफ को, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, अपने आप को क्या, अपने लाइफ में क्या हो रहा है परखना बहुत ज़रूरी है। जब हमको क्लियर दिखेगा तब हम दूसरों की हेल्प बहुत अच्छे से और बहुत सहज बने कर पाएंगे। अगर हम आगे देखते हैं और इसी संदर्भ में लूका में भी कहा गया है, लूका 6:39-41, ये भी यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत बताते हैं, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? जैसे हमने देखा कि एक लड़के के आँख में जो है खुद के आँख में इतना बड़ा लग रहा है, दूसरे के आँख में ऑब्वियसली दोनों को क्लियर विजन नहीं है, दोनों को क्लियरिटी नहीं है। अगर दो अंधे हैं और दोनों रास्ते से जा रहे हैं, तो क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता पाएगा? नहीं, नहीं पॉसिबल है। अगर वो दोनों साथ में चलेंगे तो हो सकता है वो आगे जाके गड्ढे में गिर जाए, वो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो जिसके आँख में कचरा है या खुद की लाइफ में अगर वो चीज़ें हैं, तो हम उस रिगार्डिंग किसी और को गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम गलत जा रहे हैं तो शायद हम दूसरे को भी लेकर उस गलती में और उस खड्डे में डूब जाए। तो ऐसे ही वचन कहता है, एक अंधा दूसरे अंधे को मदद नहीं कर सकता, वो रास्ता नहीं बता सकता। आगे कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वही अपने गुरु के समान होगा। वो अपने भाई की आग के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आग का लट्टा तुझे नहीं सूझता? ये वचन कहता है, तो अपने भाई के आग के तिनके को क्यों दिखता है? बहुत बार हमें दूसरों की ही चीज़ें नजर आती है, हम दूसरों की ही चीज़ों में रहते हैं, पर हमें अपने आप को देखना है, हमारे जीवन में क्या है। दूसरों की गलतियाँ होगी, अरे टाणी तो असकेला, हम सब जगह जाके बोलते हैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि अगर उन्होंने किसी से सुना, अगर कोई गलत जा रहा है, अरे वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही करता है, तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, हम दूसरों को दोष लगा देते हैं। परंतु हमारे जीवन में क्या है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वचन कहता है, तो अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखता है? दूसरे को देखने से अच्छा पहले अपने आँख में जो लकड़ी है, जो लट्टा है, उसे निकाल। तुझे वो क्यों नहीं सोचता? अपनी गलतियाँ कुछ नहीं, ठीक है, मैं बराबर है, मैं सिद्धा है। और दूसरे को हम बहुत पिन करते हैं कि नहीं बाबा तू ना ही बराबर है, तेरा सही नहीं है, तू गलत है। बहुत बार ये चीज़ें होती है, तो वचन यही कहता है, पहले दूसरे पर हम, जब दूसरे को दोष लगाने से पहले खुद को परखना, खुद को जानना कि हम किधर है, वो बहुत ज़रूरी है, हमें जानना है। ओके, अगर हम आगे देखें, वर्स 5 कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्टा निकाल ले। पहले अपनी आँख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली बाती देखकर निकाल सकेगा। जैसे ये वचन कहता है, पहले तू अपनी आँख की आँख में जो है, अपने आप की जो आँख में, तेरे आँख में जो लकड़ी है उसे निकाल। जब तुझे क्लियर दिखेगा तब तू तेरे भाई के आँख में से जो तिनका है तुझे, वो सही सही दिखेगा और उसे सही तरीके से तू हेल्प कर पाएगा और सही तरीके से निकाल पाएगा। पर बहुत बार हम ऐसे करते हैं कि हमारी चीज़ें को जाने दो, हम नहीं ध्यान देते अपनी चीज़ों पे और दूसरे को हेल्प करने जाते, तो वो गलत है। तो वचन यही कहता है, दूसरे पर दोष लगाने से पहले या दूसरे को कुछ बोलने से पहले अपने आप को उतना सिद्ध और अपने आप को उस काबिल बनाओ कि नहीं मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, नहीं तो हम उसका भी नुकसान कर देंगे। ओके, अगर हम देखें आगे, जैसे नीचे लिखा है लूका 6:42, ये कहता है, और जब तू अपने ही आँख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनका को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई के आँख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जैसे हमने ऊपर वर्स पढ़ा, उसी रिलेटेड ये वर्स है, ये भी वर्स यही कहता है, कपटियों की तरह मत रहो कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, दूसरे के बारे में बुरा सोचो या दूसरा गलत है। हमेशा हमें कपटियों की तरह नहीं करना है कि मैं सिद्ध,
अगर हम देखें यीशु के टाइम पे भी जो फरीसी लोग थे या जो लोग थे, जब यीशु बड़े बड़े कार्य करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे, तो यही कहते थे कि हाँ ये तो दुष्ट आत्मा की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है या सिर्फ दोष लगाते। तो यीशु उनसे कहता है कि कोई सिद्ध नहीं है, तुम जिस पर दोष लगा रहे हो उससे पहले अपने आप को देखो कि तुम कहाँ पर हो। तो बहुत बार हम भी वैसे हो जाते हैं, नहीं हमारी चीज़ें को हम निगलेक्ट कर देते हैं, हमारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, पर नहीं हमको दूसरे के सामने महान बनना है, हमको दूसरे के सामने ना ही नहीं सांगला है वो खराब है, ऐसे बहुत बार होता है। तो ये वचन यही कहता है, बहुत सिंपल सा वचन है, पहले तो अपने आप को देख तेरे जीवन में क्या है, तू किस पोजिशन में, क्या तू इस लायक है कि तू दूसरे को हेल्प कर पाए, दूसरे की आग का तिनका निकाल पाए। तो हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सोचना कि हम कहाँ पे, हमारा जीवन कहाँ पे। जब हमारे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर कोई हमको किसी को हेल्प करनी, तो बहुत ज़रूरी है कि हमको उस चीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब मैं दूसरे को सही गाइड कर पाऊँगी। अगर मैं ही उस चीज़ में गलत हूँ, अगर मैं दूसरे को किसी चीज़ को गाइड करूँ, तो वो भी गलत ही होगा, वो सही नहीं जाएगा। ओके, अगर हम आगे देखें, खुद की लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, हमारी लाइफ में कुछ भी हो चलेगा, हमसे सब चांगला चल रहा है। लोगों का होता है कि अपना कैसे भी, बट हमारी बहुत सी लोगों को आदत होती है कि नहीं हमारा सब कुछ अच्छा है, हमारे में तो कोई खोट नहीं है, हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे बहुत बार बोलते हैं। पहले के फिर ऐसी लोगों को बोलते थे हम तो प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, यीशु से कहते हैं रहने दो तुम्हारी चीज़ें पता है। तो वैसे कभी कभी हम भी हो जाते हैं, या लोग ऐसे करने लग जाते हैं कि अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं देते, परंतु दूसरे पर दोष लगाना, दूसरे की चीज़ों को निकालना, सिर्फ मौके में रहना कि ये कुछ करे और मैं इसको बोलूँ, तो ये बहुत गलत बात है और हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेने से अच्छा इट्स बेटर कि हम अपने ऊपर काम करें, पहले हम उस काबिल बने, फिर हम दूसरे को गाइड कर सकते हैं। ओके, बहुत बार ऐसे ही होता है जब हम देखते हैं, बहुत बार ऐसे ही होता है हम जब देखते हैं हमारे लिए वो स्टैंडर्ड अलग होता है। मैंने कुछ गलत किया तो माँ ठीक है, का ही नहीं उड़ी मोटी गोष्ट ना, इतना कुछ बड़ा डी नॉट्स बिग डील, ओके नॉर्मल ही होता है। पर वही चीज़ अगर दूसरा करे, अरे बाबा सकेला तू इतना बड़ा चीज़, उसी चीज़ को हम और मिर्ची मसाला लगा के लोगों को बताते हैं या चार लोगों के सामने उस इंसान को पॉइंट आउट करते हैं, तो वो गलत है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो वही कहता है अगर जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा, अगर आप दूसरे के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी वही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अनमर्सीफुल सर्वेंट जो हमने देखा निर्दयी सेवक की कहानी, उसमें भी जो राजा से वो पैसा लेता है, जो सेवक राजा उसे माफ़ कर देता है, पर वही सेवक अपने दोस्त को नहीं माफ़ करता, उसे मारता है, उस पर दोष लगाता है और उसको उठाकर जेल में डाल देता है। और राजा को ये चीज़ पता चल जाती है, उसके सैनिक आकर जब उसे बताते हैं तो वो उसे उठाकर भी जेल में डाल देता है। तो बहुत ज़रूरी है अगर आप दूसरों के साथ भलाई करोगे, आप दूसरे के साथ अच्छाई करोगे, आप दूसरे पर दया दिखाओगे, तो आपको भी रिटर्न में वही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है आप कुछ गलत करोगे और यू आर एक्सेप्टिंग कि नहीं आपको कुछ अच्छा मिले, नहीं हो सकता। अगर आपने गलत किया है, अगर आप जिस नाप से दूसरे को नापते हो, दूसरे के लिए जो स्तर आप यूज़ करते हो, जो स्टैंडर्ड है आपका दूसरों को मेजर करने का, उसी मेजरमेंट से आपको भी नापा जाएगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी जो कि 2 सैमुएल 12 से है। हमने दाऊद की कहानी बहुत बार सुनी है, बहुत बार हमें इस पर प्रचार हुआ। तो ये दाऊद और बेतशीबा की कहानी है। जैसे हमने देखा दाऊद जो है, जब उसको जंग पे जाना होता है, वो जंग पे नहीं जाता, वो अपनी गच्छी पर अपने टेरिस पर घूम रहा होता है और वो चीज़ देखता है जो उसे नहीं देखनी होती है। और उसे बेतशीबा नज़र आती है, वो बेतशीबा को देखता है और बेविचार करता है। हमने देखा दाऊद स्टोरी, जैसे हम देखते हैं दाऊद जो है उसके हस्बैंड को मार देता है और उससे जो है शादी कर लेता है। अगर हम देखें एक फिर ये सारी चीज़ें होती रहती है और एक दिन जो है नेथन आता है और नेथन जो है दाऊद को स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। और तब नेथन जो है दाऊद को स्टोरी बताता है कि एक नगर में 2 मनुष्य थे जिसमें से एक धनी था और एक निर्धन था। एक जो था जो एक जिसके पास पैसा पानी था और एक जो था वो गरीब था थोड़ा, उसके पास इतना कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं था, वो निर्धन था। अब देखते हैं धनी के पास बहुत भेड़ बकरियां होती है, उसके पास एम्पल ऑफ किंग, उसके पास सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। जो धनी युवक था, जो धनी युवक बोले, जो धनी मनुष्य है उसके पास बहुत सी चीज़ें, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां है, उसके पास सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अच्छे से। पर उसी साइड जो निर्धन मनुष्य है उसके पास केवल एक ही भेड़ का छोटा बच्चा होता है, केवल एक ही भेड़ का छोटा बच्चा होता है। धनी के पास बहुत चीज़ें होती है, बहुत सारी भेड़ बकरियां होती है, गाय होती है, बहुत सी चीज़ें होती है,
पर निर्धन के पास जो होता है, जो निधन निर्धन मनुष्य है उसके पास केवल एक छोटा सा जो है बछड़ा होता है, छोटा सा जो है भेड़ का बछड़ा होता है, और वो छोटे से भेड़ के बछड़े से जो है बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उसी के साथ खाता है, बहुत मतलब बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे के जैसे उसे वो प्यार करता है और उसकी बहुत केयरिंग करता है। तो एक दिन क्या होता है, जो धनी है उसके घर पे एक यात्री आता है, एक गेस्ट आ जाता है, और धनी को फिर उसके लिए खाना बनाना है। तो धनी क्या करता है, अपनी इतनी सारी भेड़ बकरियां होने के बावजूद वो अपनी भेड़ बकरियों में से भोजन नहीं बनाता। वो जो निर्धन है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास केवल एक ही भेड़ है, उसकी भेड़ को उठाता है और उसका भोजन बनाता है। तो ये स्टोरी जो है नेथन जो है डेविड को बता रहा है, दाऊद को बताता है, और जैसे ही दाऊद ये स्टोरी सुनता है वो उसका मतलब उसको वो भड़क जाता है, उसको गुस्सा आता है कि मतलब ये क्या है, उसके पास इतना है फिर भी उसने नहीं यूज किया और इसका यूज कर रहा है। तो वो एकदम जोश में कहता है, जिसने भी ऐसा किया है उसको तो प्राण दंड की आज्ञा मिलनी चाहिए, वो उसको तो मार देना चाहिए, और जिसने उसकी भेड़ ली है, जो गरीब की जो निर्धन था, जिसकी जिसने भेड़ ली जिसके पास केवल एक ही थी, उसको उसका चौगुना रिटर्न करना चाहिए। तो डेविड ऐसे फटा करके रिएक्ट कर देता है। फिर नेथन उससे कहता है, वो व्यक्ति तू है। जैसे ही उसे ये कहता है नेथन, वो थोड़ा ये हो जाता है। अगर हम स्टोरी में देखें, जब दाऊद ने ये स्टोरी और जब दाऊद को नेथन ये कहानी बताता है, वो इतना मतलब गुस्से में आ जाता है और इतना उसे मतलब उसके दिल में ये होता है कि वो उस धनी युवक को मारने के लिए कह देता है कि नहीं, उस पर जजमेंट पास कर देता है, इसको तो मरना चाहिए क्योंकि इसने गलत किया, इसने दया ही नहीं दिखाई, एक ही भेड़ का बछड़ा था उस गरीब के पास, उस निर्धन के पास, और वो भी उसने ले लिया। तो दाऊद ऐसे कहता है। और अगर हम देखें इस स्टोरी में, जबकि दाऊद ही बड़े पाप में था, नेथन उसे कहता है वो व्यक्ति तू है, तब दाऊद को रियलाइज होता है कि नहीं, हम जब देखते हैं, जबकि दाऊद ने उससे बड़े पाप किए थे, इस स्टोरी से नेथन उसे समझाता है कि तू किस सिचुएशन में है, उसने जो है बेतशीबा का जो पति है उसे मार डाला, उससे शादी कर दी, जबकि दाऊद के पास बहुत सारी पत्नियां थी, उसके पास सारी चीजें थी, फिर भी उसने वो पाप किया, उसने वो चीज में वो पड़ा और उसने बेतशीबा को जो है शादी कर ली, उसके पति को मार डाला। वैसे जैसे नेथन ने उसे समझाया कि उसके पास धनी के पास बहुत कुछ होता है, पर जिसके पास नहीं है उसकी चीजें मार कर उसने उसको भोजन दिया। तो दाऊद को समझता है। जब हम ये स्टोरी देखते हैं, क्या पर जब हमने देखा दाऊद जो है एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से गुजर रहा होता है। अब हम देखेंगे, अब देखते हैं कि अगर आप सोचो तो शायद दाऊद की आँख में वो बड़ा सा लकड़ा अभी होगा, वो नहीं देख पा रहा है क्लियरली, वो शायद से सही से भी नहीं देख पा रहा है। और जब उसने जब नेथन ने उसको कहानी सुना तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन था कि भाई उसको तो मार देना चाहिए। तो ये होता है हमारा मेजरमेंट, जब हम करें हमारे पाप चाहे कितने भी बड़े हो, हम अपने लिए इतना नहीं सोचते, बट जब दूसरा कोई बोलता है हमारा तुरंत से जजमेंट आ गया कि नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, गलत है। तो हम ऐसे बहुत बार करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम दूसरे को पॉइंट आउट करने से पहले या दूसरे के ऊपर न्याय हम दूसरे को जज करने से पहले हमारी लाइफ कहाँ है, हमने क्या किया है, क्या हम इस लायक है कि हम दूसरे को गाइड करें, क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम उसको सही सलाह दें या उसकी आँख से वो तिनका निकाले। अगर वो कोई भी पाप में हो, हमारी पाप का है, हम का है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। जैसे दाऊद को उस समय कुछ नहीं समझ में आया, उस स्टोरी के बाद उसे जब समझा कि नहीं ये गलत है, उसे तब रियलाइज हुआ कि नहीं गलत है, उसने पश्चाताप किया आगे जब हम देखते हैं। पर ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी होती, हम भी बहुत बार उसी चीज़ों में पड़ जाते हैं और दूसरे को जज करते हैं। तो जब हम अपनी आँख से वो तिनका निकालेंगे, जब हम अपने आँख से हमारी दृष्टि जब क्लियर होगी, जब मुझे साफ दिखाई देगा, तो मैं दूसरों की आँख का तिनका एकदम स्पष्ट बने देख पाऊंगा, उसे सही से सही रीति से निकाल पाऊंगा, ताकि ना उससे कोई हानि हो और वो अच्छे से रह सके। ओके, आगे जब हम जाते हैं वर्स 6, ये वचन कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पाँव के तले रौंदे और पलट कर तुम्हें ही फाड़ डाले। अब ये वचन यीशु मसीह जब ये दृष्टांत बताते तो ये कहता है पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। अब कुत्तों को न दो, यहाँ पे कुत्ता का ऐसे आगे हमको ऐसे लग रहा हो, पर यहाँ पर ये जो है कुत्ता और सुअर, ये दो प्रकार के इंसानों के बारे में बताया गया। अगर आप देखो तो डॉग्स कुत्ता जो है वो ऐसे लोगों को दर्शाता है जिनको
मतलब डीप किसी चीज का नॉलेज नहीं, डीप रेस्पेक्ट नहीं है। जब उनके पास परमेश्वर का वचन जाता है, परमेश्वर का सुसमाचार जाता है, उनको कोई पढ़ी नहीं है, वो ऐसे मतलब एकदम नॉर्मल बिहेव करते, एकदम मतलब उनको कोई पढ़ाई नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, या उनको इतनी उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा बिहेव करते और वो अपनी आइडेंटिटी दिखा देते हैं कि नहीं भाई हमें ये नहीं है। तो वचन कहता है जो पवित्र है उसे कुत्तों को न दो। पवित्र यानी जो परमेश्वर के बहुमूल्य वचन है, जो पवित्र परमेश्वर के शब्द है, जो परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें ऐसे लोगों के सामने मत डालो जो कि जिनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता या जो उतना रिएक्ट नहीं करते, जिनको उसके लिए रिस्पेक्ट या जिनको उसके लिए कुछ ये ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को मत कहो जिनको कोई ये ही नहीं है। आगे कहता है और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। अभी हम सुअरों के बारे में देखो, अगर आप देखो सुअरों को, इट्स एन अनक्लीन एनिमल, जो कि अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें उसको एक अनक्लीन एनिमल है जो कि घूमता है, गंदगी में रहता है और जो उसे मिले वो खा लेता है। तो अगर आप सुअरों को देखो तो वो गंदा है, मतलब गंदे में, गंदगी में ही रहता है। पर अगर आप मोतियों को देखो, ये वचन कहता है जो मोती है वो सुअरों के सामने मत डालो। तो मोती यहाँ पर क्या है? मोती जो है, ये पर्ल जो है, ये रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के जो शब्द है, परमेश्वर के जो वचन है उसको रिप्रेजेंट करता है। और बहुत ऐसे भी लोग होते हैं, यहाँ पे सुअर यानी ऐसे लोगों के बारे में, ये लोगों के बारे में बताते हैं, सुअर यानी ऐसे भी लोग होंगे, इस कैटेगरी के भी लोग होंगे जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता परमेश्वर के वचनों के बारे में। जब आप उनके सामने प्रचार करोगे उनको कोई फर्क नहीं, वो अपने कान में ऐसे कुछ भी करेंगे, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके सामने अपने जो अनमोल मोती है, जो परमेश्वर के सुंदर वचन है, वो वेस्ट मत करो। वो अपने पाँव के तले रोन देंगे और उल्टा तुम्ही पर भड़क जाएंगे, ये तू कैसे कह रहा है, या तुम्ही को फाड़ डालेंगे। तो वचन ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन बहुत ही बहुमूल्य है। अगर आप मोती को देखो बहुत प्रीशियस होता है। अगर आप उसके बारे में दृष्टांत दें जहाँ पर लिखा स्वर्ग का राज एक ऐसे व्यापारी के तरह है जो अपनी सारी चीजों को बेचकर उस मोती को जो है मोल लेता है। तो ऐसी बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं, जो पवित्र चीजें हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो उसे नहीं इंटरेस्ट देते या जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। तो उनके पीछे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो जैसे हमारा जो टॉपिक था हम उस पर आते हैं। जैसे हमने देखा कि हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है और जो भी चीजें हैं हमें उससे दूर रहना है। बहुत बार हमारी लाइफ में चीज़ें होती है पर हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, दूसरों की चीज़ों को हम ये करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को सुधार पाए। और अगर दोष नहीं लगाना, ऐसे नहीं, अगर वचन में बोला है कि नहीं देखो आप अगर दोष लगाओगे तो आप पर भी दोष लगेगा, तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम किसी को कुछ गाइड ही ना करें। अगर एक फुटबॉल का मैच है, फुटबॉल अगर आप खेलने जाते हो, अगर कोई बच्चे खेलने जाते हैं वहाँ पर एक कोच होता है जो उस बच्चे को बताता है या सिखाता है। वो एक बार बताएगा, दो बार बताएगा, फिर जब बच्चा नहीं करता वो उसको समझाता, उसे सिखाता है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे जो लोग हैं जो अथॉरिटी में होते हैं, जब हम गलत जाते हैं या जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किए होते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो हम पर जजमेंट पास नहीं करेंगे। अगर आप किसी को देखते हो, अगर आपका कोई भाई वो गलत काम कर रहा है, आप उसे जाकर समझाओ कि भाई आप गलत कर रहे हो, उसे समझाओ, अगर वो माने तो ठीक है, नहीं मानता है फिर आप आओ किसी और एक संगी जो आपका जो साथ हो उसे लेकर जाओ, उसे समझाओ कि भाई आप नहीं सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अगर वो फिर भी नहीं समझे तो हमें उसे कलीसिया के जो जो एल्डर है उनके पास लेकर आना होता है, कलीसिया के जो बड़े लोग हैं उनके पास लेकर आना होता है, फिर वो डिसाइड करेंगे, फिर वो बताएंगे। अगर वो व्यक्ति नहीं सुधर रहा है तो हमको यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ, उनको डिसिप्लिन करने के लिए हमको उन पर, ऐसे नहीं कि हम उस पर दोष लगाते, पर हमको उनको जज करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये दोनों चीज़ें हमको साइड बाय साइड मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि दोष नहीं लगाना मतलब चाहो सब जिसको जो करना है वो करें, नहीं, हम एक परिवार है, हम एक कलीसिया है, तो बहुत ज़रूरी है हम एक दूसरे को उठा कर चले। अगर कोई गलत जाता है तो हम उसे समझाना है, पर अगर कोई नहीं सुनता है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे डिसिप्लिन में लाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर दोष लगा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अगर कभी कभी हमें जज करना पड़ता है, अगर जो अथॉरिटी में वो हमें सिखाएंगे, वो हमें बताएंगे हम कहीं गलत जा रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो इंसान आपको ब्लेम कर रहा है, वो आपको दोष लगा रहा है कि आपने गलत किया है तू नहीं है, नहीं, वो आपके बेटरमेंट के लिए ताकि आप आगे जाके इम्प्रूव करो, वो आपको समझाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट्स मैंने बनाए हैं।
जैसे कि अगर हमको दूसरे को हेल्प करनी है, जैसे हमने देखा कि वचन कहता है पहले अपने आँख में जो है, अपने आँख में जो लकड़ी है, अपने आँख में जो गंदगी है या तेरी जो पाप है तो उसको देख, अपने आँख से लट्ठा निकाल, तब तुझे दूसरे पर जो है साफ साफ तेरे दूसरे को तू मदद कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है पहले हम अपनी आँखों से उस लट्ठे को कैसे निकाल सकते, उस लकड़ी है जो हमारी आँखों में जो है उसे हम कैसे निकाल सकते। तो पहला जो पॉइंट है वो है अपने आप को परख कर कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही जगह पे हूँ। अपने आप को कंटिन्यूसली देखना, हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे डेली लाइफ में, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि नहीं करनी होती। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को एनालाइज करें कि हम कहाँ पर हैं, हम सही जा रहे हैं। हम अगर सही है तो हम दूसरे को उस चीज़ में एडवाइस कर सकते हैं, नहीं तो सामने वाले का भी हमारे वजह से नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को टाइम टू टाइम परखना कि मैं परमेश्वर, क्या मैं सही हूँ। अगर आपने कुछ गलती भी की है तो परमेश्वर के सामने आओ, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो और परमेश्वर से कहो ठीक है ये चीज़ हो गई, पर परमेश्वर आप मुझे मदद करो कि मैं उससे निकल पाऊँ। वैसे ही हमारा सेकंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि हमारी कमजोरियों पर काम करके। सबकी कमजोरियाँ होती है, सबके शॉर्टकमिंग होते हैं, सबके अलग अलग जो है वीकनेसेस होती हैं, बट हमें उसी को पकड़ के नहीं रहना। कोई इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता, वी आर ह्यूमन बींग, हमसे गलतियाँ होती है, सबकी कोई ना कोई कमजोरियाँ होती है, बट हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर पाए, हम अपने आँखों से वो कैसे निकाल पाए, हमारी जो कमजोरियाँ है, हमारी जो वीकनेसेस है, हमें उस पर काम करना है। अगर आपका कोई भाई है जो आपको उस क्षेत्र में उसको ज़्यादा नॉलेज है, आप उससे बात कर सकते हो। अगर हम एक कलीसिया में तो हम एक दूसरे को कमजोरियों को ओवरकम करने के लिए दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है गलत बातों से दूर रहकर। बहुत ज़रूरी है अगर हमें, अगर दूसरे को हम अगर गाइड करेंगे, अगर दूसरे पर हम दोष लगाते हैं, तो पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पर हैं, क्या हम कोई गलत बातों में। तो बहुत सी गलत बातें होती है, बहुत से अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हमें अपने आप को एकदम सिक्योर रखना है कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरा जीवन सही जा रहा है, परमेश्वर के साथ का मेरा जो कनेक्शन है, परमेश्वर के साथ का मेरा जो संबंध है वो सही है, ताकि मैं गलत बातों पर ध्यान ना दूँ, गलत बातों का विचार ना करूँ और गलत बुरी आदतें या बुरी संगत में ना पड़ूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छा रख पाऊँ, ताकि मैं अपने जीवन को सिद्ध कर पाऊँ या मैं अपने जीवन में अच्छा करूँ, ताकि अगर कोई और मेरी हेल्प, जब किसी और को मेरी हेल्प लगे या किसी के आँख में तिनका चला गया हूँ तो मैं उसे निकाल दूँ। बेसिकली लट्ठा ने अपने जो पाप है, हमारे लाइफ में जो चीज़ें हैं उसे निकालना है, फिर हम जाके दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। हमारे आँख में जो गंदगी है, हमारे जीवन में जो गंदगी है, उसे देखना बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे आप दूसरे को हेल्प नहीं कर पाओगे, ओके। और आगे हम देखते हैं हम कैसे दूसरों को समझाना है, अगर दोष तो नहीं बोल सकते, हमें कैसे दूसरों को समझाना है, अगर हम कैसे दूसरों को जज कर सकते हैं, अगर हम कैसे, मतलब ये अच्छा वे में जज है, वैसे वाला जज नहीं कि हम दोष लगा रहे हैं, हम कैसे दूसरों को समझाना है। अगर आपको दिखता है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं सही जा रहा है, वो कुछ गलत चीज़ों में है, तो हमें सही और सच्चाई से करना है, सही और सच्चाई से करना है। इनके अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप फेयर डिसीजन लो, ऐसे नहीं है कि हाँ बाबा ये इंसान मेरा फेवरेट है। अगर कल के दिन ऐश्वर्या कुछ गलती कही थी, वो मेरी बहन है, उसके लिए मैं इतना ये नहीं करूँगी, ठीक है हो जाता है, पर नहीं, अगर वो गलत करी तो मुझे बहुत ज़रूरी कि मैं सच्चाई से करूँ। अगर आप इस एक संदर्भ में एक वचन है जो कि है योहन्ना 7:24, ये कहता है मुँह देख न्याय ना कर परंतु ठीक ठीक न्याय कर। अगर आप किसी को समझा रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, किसी को डिसिप्लिन कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है आप सामने वाले का चेहरा देखकर नहीं करो, सामने कौन खड़ा है, आपका कोई करीबी है या आपका उससे अच्छा बनता है तो आप उसके लिए थोड़ा लीनियंट हो जाओगे, ठीक है जाओ दे साल तो बरत करो उन को, पर नहीं हमें ऐसे नहीं करना है। अगर उसने गलत किया है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें सही से ही जो है सच्चाई से करना है। आगे जो सेकेंड पॉइंट है वो है बुरी बातों को नो सोचते हुए, जो कि बुरे विचार को, अभी मेरा और किसी का, मेरा अगर मैं किसी को कुछ बताने जा रही हूँ, मेरा उस सामने वाले व्यक्ति से नहीं बनता, तो मैं हाँ इसने ऐसे किया ना, अभी तो मैं इसको बता दूंगी, अभी तो इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में जो है बुरे ख्याल आते, उसके भी नहीं होना, बुरी सोच है या गंदे इंटेंशन से, उसको हानि पहुँचाने के इंटेंशन से हमें कभी किसी को जज नहीं करना। हमेशा उस इंसान की अच्छाइयों को भी देखना है और जो उसने चीज़ें करी है उस पर ध्यान देना है, और बुरी बातें अपने दिमाग में, चाहे आपका उसके साथ जमे या ना जमे, अगर कोई आपको बताता है, अगर कोई आपका लीडर हो या कोई भी आपको बताता है, तो ऐसे नहीं कि वो आपकी बुरा सोचते हैं या आपको बुराई से बताते हैं, नहीं,
वो आपकी अच्छाई के लिए। तो जो भी अगर इस जो भी अगर किसी को समझाने जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप खुद ही उस एक सही तरीके से आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, शास्त्र उस विषय के बारे में क्या कहता है, और किसी भी बुरे विचार के खिलाफ या किसी भी बुरे इंटेंशन को हटाकर हमें सही न्याय करना है, सही तरीके से लोगों को समझाना है। आगे हम अगर देखें थर्ड पॉइंट इज सिर्फ गलतियाँ या किसी को फॉल्ट नहीं देखना है। अगर हम देखें बहुत से लोगों की आदत होती है घूमते घूमते तू असच है तू तसच है, उनको सिर्फ लोगों की गलतियां नजर आती है। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये हैबिट होती है, उनको ये डेली उनका डेली का काम होता है कि बाबा तू गलत है, सिर्फ उनके फॉल्ट दूसरों के फॉल्ट को देखते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है। अगर आप किसी को समझा रहे हो सिर्फ उसकी गलतियाँ ही मत देखो, उसको ओवरऑल उसकी जो भी अच्छी भी चीज़ें हैं उसे भी देखो। गलतियाँ इंसान करता है बट उसे समझाना बहुत ज़रूरी है। केवल उसकी गलतियों को देखकर आप अगर उस पर एकदम हार्शली डिसीजन दोगे कि नहीं तू ऐसा नहीं, वो अच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं तू गलत है तो मैं तेरे साथ ऐसे करूँगा, उसने सबसे इक्वली प्रेम किया। परमेश्वर जो भी गलत जिसने भी किया वो परमेश्वर अपना न्याय कर देगा। आपको कोई राइट नहीं है कि आप उस पर जजमेंट पास करो या ये गलत है, बट आप उसे समझा सकते हो और सही तरीके से उसे एक डिसिप्लिन में ला सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है हम उसकी सिर्फ गलतियाँ ही ना देखें परंतु उसकी अच्छी चीज़ों को भी देखकर सही तरीके से क्या सही है क्या गलत है इसे सही तरीके से जांच कर हम ये डिसीजन लें। आगे हम अगर देखें तो फोर्थ पॉइंट कहता है प्रेम से करना है। बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी को भी अगर कोई गलत कर रहा है और मैं जाकर उसको बोलूँ बाबा तू गलत कर रहा है तू ऐसे कर रहा है तू वैसे कर रहा है, उसको लगे ये क्या मेरे पे दोष लगा रहा है, तू ठीक है तू सही सच है और मेरे को ही दोष लगा रहा है। तो ऐसे एकदम हार्शली या एकदम कठोर तरीके से हम किसी पर भी चिल्ला नहीं सकते, किसी पर दोष नहीं तू ऐसा ही है तू ऐसे ही करेगा, नहीं हमें ये नहीं करना है। बल्कि हमें प्रेम से वो चीज़ों को समझना है, प्रेम से वो चीज़ों को करना है। अगर आप प्रेम से अगर मैं बोलूँगी ठीक है आप इधर आ जाओ मेरे को आपसे बात करनी है, आप उसे प्रेम से समझाओगे तो शायद वो समझ जाए। तो उसी तरीके से अगर आप दूसरे को एकदम हार्शली बोलो कि आपने ऐसा किया आपने वैसा किया, दूसरे टाइम वो आपको देख के ही दूसरी जगह से निकल जाएगा, अरे ये तो ऐसे ही है ये तो ऐसे ही करेगा, ये खुद को क्या समझती है जो मेरे को ऐसे बोल रहे, तो वो आपके प्रति उसको वो रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी और आपके प्रति उसके दिल में अच्छी भावना भी नहीं रहेगी अगर आप किसी को ऐसे चिल्लाकर हार्शली कर दो। पर उसी जगह अगर आप किसी को लेकर जो उसे प्रेम से समझा शायद वो समझ जाए, शायद वो मतलब ठीक है कि अगर मैं अभी नेक्स्ट टाइम से मैं चीज़ नहीं करूँगा। तो बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी को समझाते हो, किसी को अगर आपको लगता है कि कोई गलत जा रहा है तो आप अगर उसे समझाते हो, अगर आप उस पर कोई जजमेंट देते हो उसको या कुछ बता रहे हो तो आप प्रेम से करो। बहुत ज़रूरी अगर हम कलीसिया में हैं तो हमारे भाइयों के साथ हमारे बहनों के साथ हम प्रेम से रहें। हमें हमारे भाई बहनों को जीतना है ना कि हमें उनको निराश करना है फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। वो हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं सीखा, हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। तो बहुत ज़रूरी है हमें कोई हमको एक दूसरे को जीतना है, प्रेम से एक दूसरे को चीज़ें बतानी है, प्रेम से एक दूसरे को जीतना है। और लास्ट पॉइंट है जो कि है पूरी जानकारी के साथ करना है। बहुत से लोग होते हैं जिनको आधी आधी इंफॉर्मेशन होती है, कहीं से वो कुछ सुनकर आते हैं एंड दे स्टार्टेड वो स्टार्ट करते हैं लोगों को जज करना कि बाबा तू ऐसा है तू ऐसा है तू ऐसा है, जो कि गलत है। अगर किसी दो व्यक्ति का कन्वर्सेशन है, अगर एक व्यक्ति किसी को समझा रहा हो तीसरा व्यक्ति उसमें है उसको पूरी बात नहीं करते हैं और उसको कह नहीं तू ऐसा कर तू यहाँ पे गलत है, तो नहीं ये नहीं करना है। अगर आप किसी को समझाने जा रहे हो तो उस सिचुएशन की या उसने जो भी चीज़ें की है आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉम एंड टू पूरा एकदम स्टार्ट टू एंड आपको पूरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि बाबा ये चीज़ें हुई थी। सिर्फ आधी अधूरी चीज़ों और आधी अधूरी सुनी हुई बातों को या किसी ने कह दिया उस पर जाकर आप उस पर दोष लगाओगे या उस पर आप कहोगे कि नहीं तू इधर गलत है तो आप उसको जज करोगे तो ये गलत है। तो जब भी आप किसी के बारे में अगर आपको किसी को समझाना है या किसी को आप डिसिप्लिन करने जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है आपको पूरी जानकारी उस चीज़ की होनी चाहिए, तभी आप जाकर दूसरों को समझा सकोगे सही तरीके से और वो चीज़ें सही निकल कर आएगी। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, अगर आप आधी अधूरी जानकारी से अगर आप किसी को जज करते हो तो वो चीज़ें बहुत गलत हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति भी कई रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है जो कि सही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है हम एक दूसरे को ऐसे समझें। तो ये कुछ पॉइंट है जिस प्रकार हम एक दूसरे को अगर हमको समझाना है तो हम किस प्रकार समझा सकते हैं। और उसके पहले बहुत ज़रूरी कि हमें अपनी आँखों से वो गंदगी वो कचरा हमारे जीवन कहाँ पे है, मैं किस पोजीशन पे हूँ मैं कहाँ पर हूँ, ये सारी चीज़ें देखकर हमें आगे जो है लोगों को बताना है, लोगों को जजमेंट करना। तो
तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ। सही बात है, आपको किसी पर दोष नहीं लगाना है, बट वेर एवर इट इज नेसेसरी, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं इसको डिसिप्लिन करने की जरूरत है, तो वो दोष लगाना नहीं होता, वो आपको समझाना होता है और आपको बताना होता है कि आप सही नहीं जा रहे हो। तो वहाँ पर अगर आप कुछ बोलते हो तो वो जजमेंट नहीं होता, वो आपकी भलाई के लिए होता है। तो बहुत ज़रूरी है जब भी आप ऐसे कुछ चीज़ें में हो तो आप अपने आप को पूरा वेल प्रिपेयर करो, परमेश्वर क्या कहता है इस रिगार्डिंग, वचन क्या कहता है, और उसी के साथ ही आप लोगों पर आप बातें करो। पर ऐसी ज़बरदस्ती के या किसी को भी कुछ भी दिख गया तो हमें दोष नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम दोष लगाते हैं तो परमेश्वर वही कहता है, जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो नाप हमारे लिए, जो स्टैंडर्ड हम अपने लिए यूज़ करते हैं, वो स्टैंडर्ड हम दूसरों के लिए भी यूज़ करें। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे, हम एक कलीसिया है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई तेरी ज़रूरत मेरे को नहीं है, मेरी ज़रूरत तेरे को नहीं है। हम एक साथ है, हम परमेश्वर के भाग है, हम परमेश्वर की जो है कलीसिया के भाग है। तो बहुत ज़रूरी है हमें एक दूसरे को उठा कर चलना, ना कि किसी पर दोष लगाना है, परंतु एक दूसरे को समझाना है। और एक दूसरे के साथ, जब हम एक दूसरे के साथ हम चलेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम दोष लगाएंगे तो चीज़ें जो है अच्छी नहीं टर्न आउट होगी, शायद कोई आपसे नाराज़ हो, शायद हो, तो ये परमेश्वर नहीं चाहता हमारा, परमेश्वर ये नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं रखा कि हम दूसरे पर दोष लगाए। वो जब न्याय करना होगा, परमेश्वर अपने हिसाब से न्याय करेगा, हमें वो अथॉरिटी नहीं है, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। पर जब तक हम परमेश्वर के साथ है, हम अपने लोगों के साथ है, बहुत ज़रूरी है कि हम एकता में और एक साथ रहें। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूँगी, और आप सबसे यही मैं उत्साहित करना चाहूँगी कि आप अपने जीवन को पर और अपनी लाइफ में जो आपकी जो वीकनेसेस है उस पर काम करो, ताकि हम दूसरों के उपयोग में आ सके। जब दूसरा कहीं गिर रहा है या दूसरे को कहीं ज़रूरत लग रही है आपकी, या दूसरे की आँख में जो छोटा तिनका है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब आपकी विजन क्लियर होता है कि आप दूसरों को जाके बता सको कि हाँ भाई मैं तेरे को हेल्प करूँ, क्योंकि तब मैं वो स्थिति में होंगी जब मुझे क्लियर दिख रहा है। जब तक मुझे क्लियर नहीं दिखेगा मैं दूसरों को हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो ये वचन वही कहता है, और ये पूरा जो हमने पढ़ा ये उसी रिगार्डिंग है। दूसरे पर दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, जो स्टैंडर्ड से, जो नाप से आप नापते हो उसी से आप पर भी नापा जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप को, हम जैसे प्रेम करते हैं वैसे हमें दूसरों से भी प्रेम करना है। ओके, सो ये बोलकर मैं अपना जो है ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू, ओवर टू पिना अंकल।